सागर के मोहन नगर वार्ड में रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक और डॉक्टर इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में हैं। उनके द्वारा पिछले दिनों तैयार की गई नारियल के खोल की सबसे बड़ी मूर्ति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि इन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की प्रेरणा से हनुमान जी की यह प्रतिमा तैयार की थी। डॉक्टर लोकनाथ मिश्र बताते हैं कि उन्हें शुरू से ही कुछ अलग करने का रहा है। वह सामान्य लोगों की तरह काम नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने नारियल के खोल से इस तरह की चीज़ें बनाना शुरू किया था। पहले गणेश जी की प्रतिमा, फिर चूहे, फिर हैंडल वाली कप और अन्य तरह की चीज़ों को सृजन किया। इसके साथ ही उन्हें दिसंबर 2022 में इस मूर्ति पर काम करना शुरू किया था। मार्च में यह मूर्ति कम्प्लीट हो गई थी, फिर अप्लाई किया तो अवार्ड मिला। 2017 से नारियल के वेस्ट मटेरियल पर काम करना शुरू किया, जिसे लोग फेंक देते हैं, जिसका उपयोग नहीं समझते। उनका मैंने सोचा कि इसमें उपयोगिता का सृजन किया जाए और इसको हमने कुछ नए तरीके से बनाया। तो शुरू में हमने क्या किया, नारियल के कप, हैंडल लगे हुए कप, चाय पीने वाले बनाए। इसके बाद में ये गणेश जी की प्रतिमा भी बनाई, करीबन 18 इंच और 22 इंच के करीब दो प्रतिमाएँ बनाई गणेश जी। धीरे धीरे करके शौक बढ़ता गया और फिर मैंने चूहे हैं, उल्लू है, लोटे हैं, कप हैं, स्नेक हैं, सांप है, कछुए हैं और ये देख रहे हैं आप, ये करीबन 22 इंच यानी करीब 30 इंच के करीब की ऊंची समाई बनाई। इतनी ऊंची समाई किसी ने आज तक नहीं बनाई। तो इस तरीके से ये काम चलता रहा। अचानक 2022 दिसंबर में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री जी से मुलाकात हुई और उन्हें प्रेरणा दी कि डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं आप बनाते बागेश्वर महाराज की प्रतिमा बनाओ। उनसे प्रेरणा पाकर के मैं जब सागर आया तो 28 दिसंबर 2022 से मैंने ये काम शुरू किया और लगभग 108 दिन में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा बनी। बनाते समय बहुत सी कठिनाइयां भी आईं, कहीं कहीं ऐसा लगा कि शायद आगे काम नहीं कर पाएंगे, पर मुझको ऐसा लगा जैसे रात को प्रेरणा मिलती रही और हमारी सारी समस्याएँ हनुमान जी महाराज हल करते रहे और इस तरीके से अंतिम उनकी कृपा से ही मैं इसे दे पाया। अब जब ये महसूस हुआ हमें कि शायद भारत में ऐसा किसी ने नहीं बनाया, तो मैंने इसको जब अप्लाई किया तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हनुमान जी महाराज की यह अद्वितीय प्रतिमा शामिल हुई और मुझे ये गोल्ड मेडल मिला। सागर से अनुज गौतम की रिपोर्ट।